रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन की थीम पर सरकार द्वारा अत्योदय मेला व प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता का प्रवाह किया जा रहा है। मकसद यही है कि समाज के उस अंतिम छोर में भी विकास का कार्यकाल किया जाए, जहां अभी तक लोग वंचित रहे हैं, तभी नए भारत के निर्माण का सपना साकार हो पाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली विकास खंड मुख्यालयों पर अत्योदय मेला एवं प्रदर्शनी के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, ताकि गांव-गांव तक विकास व रोजगार के सकारात्मक सृजन का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके। बबेरू विकास खंड मुख्यालय के कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने की बात रखी। बोले, केंद्र व राज्य सरकार इस पर निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मुख्य विकास अधिकारी आरके सिंह ने दीनदयाल जी को एक महान चेतक बताया और उपस्थित लोगों के मध्य सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। चित्रकूट धाम मंडल के उपनिदेशक सूचना भूपेंद्र यादव ने अत्योदय मेला व प्रदर्शनी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। एक ओर जहां वक्ताओं ने विकास व योजनाओं के क्रियान्वयन की बात रखी, वहीं जागरूकता का भी दूसरा पहलू सरकारी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी मंडलों में दिखाई पड़ा। योजनाओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से जरूरतमंदों को जोड़ने की तरकीब भी बताई गई। क्या मामला है यहाँ आप आए हैं? अत्योदय मेला करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी से लेकर के हर तरह का मेला लगाया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार श्रमिक होते हैं उनका पंजीयन करना, मृदा परीक्षण, आज ऐसा टीवी परीक्षण, जितने भी इस तरह के टीवी सब शुरू किया गया है दो दिन मेला करके। यही है कि उनकी और कहीं भी है? नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशों के क्रम में पूरे जनपद में सभी विकास खंडों में क्रम से अंत्योदय मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि सभी गणमान्य जन तथा उस क्षेत्र के निवासी और सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जो है यहाँ पर निमंत्रित किया गया है। उद्देश्य ये है कि सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जनता में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि गरीब जनता जो उसके पात्रता श्रेणी में आते हैं वह लोग। SBI 9 न्यूज के लिए बांदा से शरद मिश्रा की रिपोर्ट।